नाम अंकित सिरसा और उम्र मात्र 19 साल। स्क्रीन पर दिख रहा ये लड़का आपको देखने में मासूम और कॉलेज जाने वाला लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसके कारनामे जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के हाथ अब एक ऐसा शूटर लगा है जो है तो मात्र 19 साल का, लेकिन स्पेशल सेल का कहना है कि मूसेवाला को उसने ही सबसे नजदीक जाकर गोली मारी थी। बता दें कि 19 साल का ये शूटर वही अंकित सिरसा है जिसने मूसेवाला का मर्डर करके क्राइम की दुनिया में कदम रखा। इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि सिद्धू मूसेवाला से पहले 19 साल के अंकित सिरसा ने किसी की जान नहीं ली थी, मतलब मूसेवाला की हत्या ही उसका पहला मर्डर था। फिलहाल शूटर अंकित सिरसा स्पेशल सेल की गिरफ्त में है और 3 जुलाई रविवार रात को ही उसे दिल्ली के कश्मीरी गेट से गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के मुताबिक 19 साल का ये शूटर सिरसा 4 महीने पहले ही लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को ज्वाइन किया था। जब उसने 9वीं पास की थी उसी वक्त वो अपराध के अंधेरे में कूद गया था। स्पेशल सेल के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला के बाद 2 और लोग इनके टारगेट पर थे और दोनों की ही हत्या करने के बाद ये विदेश भागने वाले थे। कल रात तकरीबन 11 बजे जब ISBT में अंकित सिरसा, जो कि सबसे यंगेस्ट शूटर था, वन ऑफ द मोस्ट डेस्परेट था, जिसने दोनों हाथों से फायरिंग करी और जो सबसे करीब जाके जिसने गोलियां चलाई उसको अरेस्ट किया। जो उसका साथी था सचिन बेवानी, इसको भी इसके साथ अरेस्ट किया गया। सचिन बेवानी ने इनको तमाम सपोर्ट प्रोवाइड करी। वारदात से पहले ये जब उकलाना मंडी में रुके, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में रुके और फतेहाबाद में मूवमेंट हुई तमाम जगह पे, और इंसिडेंट के बाद तोशाम में, फतेहाबाद में, पिलानी में, बाद में कच्छ एरिया में, उसके बाद जो 6 स्टेट्स मैंने आपको बताई हैं उसमें भी जितनी मूवमेंट इनकी हुई उसमें सचिन बेवानी और इसका एक साथी कपिल पंडित, इन्होंने मेन रोल प्ले किया। तो इनके साथ दीपक मुंडी भी था जो कि अभी ऑन द रन है, एब्सकॉन्डिंग है, जो कि चौथा शूटर है, और उसके अलावा 2 शूटर्स का हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। एक मनप्रीत मानू करके है जो कि मोगा डिस्ट्रिक्ट का है पंजाब में, और छठा शूटर जो है वो जगरूप रूपा है, वो तरन तारन का है। तो इस तरीके से स्पेशल सेल लगातार इस पे काम कर रहा है, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स पे, सिंडिकेट्स पे, एंटी टेरर परस्पेक्टिव से स्पेशल सेल हमेशा काम करता आया है। इसके अलावा जब स्पेशल सेल ने अंकित सिरसा को पकड़ा तब उसके पास एक 9mm और एक 30mm की पिस्टल, 19 जिंदा कारतूस और पंजाब पुलिस की 3 वर्दी भी बरामद हुई थी। वहीं आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला 29 मई 2022 को मारा गया था। उस वक्त वो अपने 2 दोस्तों के साथ बिना सिक्योरिटी के महिंद्रा थार गाड़ी से अपनी मौसी के घर जा रहा था। ये बात मुखबिरों ने शूटरों तक पहुंचा दी, जिसके बाद रास्ते में ही 2 गाड़ियों ने थार को रोक कर उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई और उसके दोस्त जख्मी हो गए।